नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फ्लैश। मैं हूं आशी प्रतीक और बढ़ते हैं आज की खास खबर की तरफ। अब खबर समदड़ी से। राजस्थान के कई जिलों में अच्छी बरसात है और कुछ जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं, लेकिन बाड़मेर में अभी भी बारिश का इंतजार है। वहीं लूनी नदी में पानी आया जरूर है, लेकिन यह पानी बरसात का नहीं है। पाली की फैक्ट्रियों से निकलने वाला दूषित पानी है जो बाड़मेर की सीमा रामपुरा से होते हुए कोटरी अजीत तक पहुंच गया है। दूषित पानी लूनी नदी से बाड़मेर पहुंचने पर किसान चिंतित है। किसानों की मांग है कि सरकार रासायनिक पानी को बंद करे, नहीं तो किसान विरोध प्रदर्शन करेंगे। लूनी में पहुंचा दूषित पानी प्रदूषण निवारण एवं पर्यावरण संरक्षण समिति के बैनर तले किसानों ने लूनी नदी में पानी की फैक्ट्रियों से आ रहे प्रदूषित पानी के लिए हंगामा किया। बाड़मेर जिले के मरुगंगा नाम से विख्यात लूनी में पिछले एक दशक से पाली जिले की फैक्ट्रियों ने नेहरा बांध में इकट्ठा रासायनिक युक्त पानी व जोधपुर की जोजरी नदी में एकत्रित दूषित पानी मानसून में लूनी में छोड़ने के कारण नदी के तट पर किसानों की खेती को भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। पाली से लगाकर जोधपुर और फिर बालोतरा का कपड़ा उद्योग, इंडस्ट्रियल का जो पॉल्यूशन, पानी जो है, ये पानी इस नदी की ये हालत बिगाड़ दी है कि पशु पक्षी उनके जीना भी दुर्लभ हो गया है। जीवनदायिनी के दोनों तरफ जो 20-20 किलोमीटर पे जो बेरों का रेजों से जो पानी कुओं में जो पानी होता था, वो पानी अब उसका कलर लाल, पीला और काला हो गया है और आने वाले समय में और भी बहुत दुर्गति किसानों की होने वाली है। बार बार निवेदन करने के बाद में मैं 2013 से 18 तक विधानसभा में था और 18 से अब 21 चल रहा है, 22 चल रहा है, इसमें भी विधानसभा में हूँ। कई बार प्रयत्न करने के बाद में एक बार जो चेयरमैन और मुख्यमंत्री जी वसुंधरा राजे जी के समय में इसको 250 फैक्ट्रियाँ बंद भी हुई थी, पर ये उद्योगपति शक्तिशाली होते हैं इसी वजह से किस तरीके से कर रहे हैं। ये किसानों की जीवनदायिनी नदी का जो इतना नुकसान हो गया है, इसकी भरवाई आने वाली पीढ़ियों तक नहीं हो सकता। मैं सरकार से कहूँगा कि जल्दी शीघ्र या तो ट्रीटमेंट प्लांट जो सही करके इस उद्योग को चालू रखा जाए, वरना इस पानी को कैसे भी करके उद्योग चाहे बंद भी हो जाए पर किसानों की जो जीवन शैली पे जो नुकसान हो रहा है उसको कैसे बचाया जाए, इसके लिए सरकार को प्रबंध करना चाहिए। भारत सरकार में जो पर्यावरण मंत्री है भूपेंद्र जी, उनको भी निवेदन कई बार करने के बाद में उन्होंने भी एक अपने भोपाल से टीम भेजी थी, उन्होंने भी पूरी इसकी रिकवरी ली, पर अभी तक राजस्थान NGT सब कोर्ट से भी मना होने के बाद में भी अभी तक इस कार्य को बंद नहीं किया जा रहा है और ये पोल्यूशन पानी आ रहा है। किसानों की खेती जो जमीन खराब हो रही है, कुएं खराब हो रहे हैं, फसलें खराब हो रही है, पशु पक्षी या कई तरह के जानवर थे वो भी इस पानी के अंदर अगर निकल जाते हैं तो उनका चमड़ा उतर जाता है और किसानों की तो मट्टी पलित तो हो ही रही है। इसके लिए सरकार को मैं कहूँगा जल्दी से जल्दी इसको बंद करें और किसानों को राहत पहुँचाएँ, वरना किसान जन आंदोलन करके परेशान हो चुके हैं और अब आगे जाके किसानों की मतलब इससे ज़्यादा जो फसलें और लगाकर मतलब अपने रोज़मर्रा का कार्य था वो भी बंद हो चुका है। इसलिए सरकार को कहूँगा जल्दी से जल्दी इसको इसका समाधान करें, वरना किसान और आंदोलित होंगे। भारत माता की जय। धन्यवाद।